दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज जा रही हूँ मैं धरने में। धरने है, कल भी था, कल मैं बारात में गई थी। तो आज जा रही हूँ अपने भाग का, और मेरे साथ है रितु, ठीक है, ये भी आशा कार्यकर्ता है। और तो चलो फिर चलते हैं और अपना धरना दिखाएंगे आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ठीक है। जो बेचारे ठीक है, अपना भाग के अभी जो नई आशा है बनी है ना, उनके वजह से तो हमें भी मिल रहा है, क्योंकि अभी कितना बढ़ के पैसे आ रहे हैं। पहले जैसे
घर बाहर लिख लिख के बोल देते रहेगा। ये देखो दोस्तों सीएमओ ऑफिस से चंपावत का नज़ारा क्या मज़ेदार लग रहा है। आप लोग को भी दिख रहा है कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखो तो दोस्तों हमारा धरना लास्ट था आज, ठीक है। और अभी मतलब दी बोल रही हैं कुछ, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी है थोड़ी देर बोल दो दी। हाय, मैं सरोज मेठा, आशा यूनियन की जिला अध्यक्ष। आज हम लोगों का जो दो दिवसीय धरना प्रोग्राम चल रहा था आज समापन हो गया इसका। और हम लोगों की अपनी मांगे हैं कि हमें मानदेय मिलना चाहिए और जो भी हम कार्य करते उसको इंसेंटिव में न दे के हमें मानदेय के रूप में सरकार हमें दे। इसी के लिए हमारी लड़ाई थी कि एक मुश्त हमें पैसा दे, वो न टुकड़ों टुकड़ों में न बांट के एक मुश्त पैसा करें। और जो आशा बहनें हमारी 60 से ऊपर को होने को जाएंगी उनको जो है तो रिटायर के समय 5 लाख रुपए और 4,000 उनकी पेंशन हो। धन्यवाद। तो अभी अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्या कहते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो भी तुम्हारी आशाओं के लिए जो भी तुम्हारी राय हो इस कमेंट में, मतलब कमेंट भी करें।